क्या आप जानते हो कि इंडियन सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फ्रांस के रहने वाले दो भाई लुईस और अगस्त लुमियर, इन्होंने 1895 में दुनिया की सबसे पहली फिल्म बनाई थी, द अराइवल ऑफ ट्रेन नाम की। 28 दिसंबर 1895 में इस फिल्म का फ्रांस में प्रदर्शन किया गया था और इस फिल्म में चलती हुई ट्रेन के अलावा और कुछ खास नहीं था, और फिर भी इस फिल्म के चलते वहां पर काफी अफरा तफरी मच गई थी। देखने वालों को लगा कि ये ट्रेन सबको कुचल देगी, कई लोग तो बेहोश भी हो गए थे। फिर क्या था, दोनों भाइयों ने मिलकर सिनेमेटोग्राफी नाम की एक कंपनी बनाई। जब वे अपनी बनाई गई फिल्म का प्रदर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे थे, तब उसके बीच बॉम्बे यानी अपना मुंबई आ गया, और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि कुछ दिन रुककर बॉम्बे में भी फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। और 7 जुलाई 1896 को एक विज्ञापन छपा जिसमें कि महानतम उपलब्धि और दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसमें और कुछ नहीं, बस एक चलती हुई ट्रेन को दिखाया गया था, और उस टाइम ये फिल्म देखने की टिकट 1 रुपए थी। उस टाइम 1 रुपए भी बहुत हुआ करता था, और बस यहीं से शुरुआत हुई इंडियन सिनेमा की।